अनि जुन उहाँका साथमा हेलेरी के नाम अरे एडमिन हेलेरी उहाँको नाम चाहिँ प्रसिद्ध छ तर उहाँले त हेलेरीलाई त उहाँले त एउटा एसिस्टेन्ट जस्तो बनाएर पो लिएर जानुभएको त खास पाठ चढ्ने त हाम्रा शेर्पा पो त र म त्यसका लागि जे पनि गर्नुपर्छ अवश्य गर्छु र पिपिएस भन्नुभयो म भन्छु भारतको संविधान हामीहरूमाथि लागू हुनुपर्छ र भारतको संविधानको अन्तर्गत गोर्खा जातिले न्याय पाएको हुनुपर्छ त्यसका लागि पनि मैले जे गर्नुपर्छ त म गर्छु अनि यतिकै छाड्दिनँ पनि जात गोष्ठीको कुरा गर्नुभयो यो मेरो सङ्कल्प हो 2026 को चुनावभन्दा अगाडि पार्लियामेन्टमा बिल आएको हुन्छ र यो 5 सालको राजनीति म यही 5 साल मात्रै राजनीति गर्छु आज यो मञ्चबाट यो म घोषणा पनि गर्दैछु अनि मलाई पुरा विश्वास छ यो 5 साल बादमा राजनीति गर्ने पनि त्यही केही खाँचो हुँदैन आवश्यकता पर्दैन त्यसका लागि पार्टीसँग लडाइँ गरेर हुन्छ कि पार्लियामेन्टमा चिच्याएर हुन्छ कि जे गर्नुपर्छ म गर्छु बस तपाईँहरू साथ दिनुहोस् प्राय 80-90% जनता साथमा छन् 10% त यसै हाउडेहरू हुन्छन् अल्टिमेटली भित्रबाट मनले त उहाँले पनि चाहेका छन् गोर्खाल्यान्ड होस् भनेर तर झन्डा र सिम्बोल अर्को पार्टीको बोक्नु पर्छ किनभने त्यहाँ कमिसन पाइन्छ तर मनभित्र त उहाँहरूको पनि छ धेरैसँग कुरा हुँदा भन्छन् पनि झन्डा बोके पनि बटन चाहिँ त्यतैको दबाउनु है भनेर र हामीहरू साथ बस्नुपर्छ किनभने सङ्गठित भयो भने मात्रै शक्ति हुन्छ अनि जति पनि मैले भने जात गोष्ठी 2026 भन्दा पहिले पार्लियामेन्टमा बिल आउँछ समाधानका लागि हामीले धेरै सङ्घर्ष गर्नुपर्छ यो 5 सालमा पनि याद राख्नुहोस् आन्दोलन गर्नु पर्ने अवस्था पनि आउला त्यसका लागि पनि तपाईँहरू तयार रहनुहोस् तर सबै रणनीतिको रूपमा हुन्छ त्यसका लागि हामीहरू सबैलाई एउटै प्लेटफर्ममा ल्याएर साथमा राखेर रणनीति तयार गरेर हामीहरू काम गर्नु पर्यो भने पनि गर्छौँ तर मलाई अझै पनि विश्वास छ भारत सरकारले जुन हिजो अस्ति मात्रै प्रधानमन्त्रीले बयान दिनुभयो एउटा सरकारी कार्यक्रममा आएर त्यो कुनै एउटा खेलाची होइन किनभने भारत देश आज जे भने पनि विश्वमा एउटा ताकतवर देश हो यस ताकतवर देशका ताकतवर दुनियाँका लोकप्रिय नेता प्रधानमन्त्रीले दिएको बयान त्यतिकै खेलाची होइन र चाँडै नै गृहमन्त्री पनि पाहाड आउनुहुन्छ सायद जेपी नड्डाजी पनि आउनुहुन्छ तपाईँहरू पनि म चाहन्छु एकखेप उहाँहरूलाई तपाईँहरू पनि भेट्नुहोस् किन भन्दा मैले एक्लै भन्दाखेरि बेला बेला लाग्छ होला सबै थोक यसलाई मात्रै चाहिएको रहेछ भनेर अनि तपाईँहरू आउनुहोस् तपाईँहरू पनि आफ्नो माग राख्नुहोस् त्यसो गर्दा मलाई पनि अलिक सजिलो हुन्छ र अन्तमा फेरि पनि युनाइटेड इन्डिजिनियस गोर्खा कम्युनिटी फोरमका सम्पूर्ण केन्द्रीय समितिका सदस्यलाई म बधाई टक्राउन चाहन्छु र सम्पूर्ण अरू जात गोष्ठी सङ्घ संस्थाका सदस्यगणलाई पनि म बधाई टक्राउन चाहन्छु तपाईँहरूको जुन मेहनत छ तपाईँहरूले जुन पसिना बगाउनु भएको छ त्यो खेर जान दिन्न म तपाईँकै एउटा सङ्घ संस्थाकै सदस्यको रूपमा मलाई ठान्दा हुन्छ कुनै दिन मेरो खाँचो पर्दाखेरि म तपाईँहरूका समक्षमा छु संस्थालाई अगाडि बढाउनुहोस् जात गोष्ठीलाई अगाडि बढाउनुहोस् हामीहरू मानव जीवन भनेको म बारम्बार भन्छु हामीहरू एउटा समाजमा बस्ने सामाजिक जीवन जिउने व्यक्ति हुँ र जीवन हामीहरूको सफल त्यतिखेर मानिन्छ जब हाम्रो जीवन अरू मानवका लागि काम लाग्छ र यो हामीहरूको एउटा ठुलो उत्तरदायित्व पनि हो समाजको प्रति आफ्नो माटोको प्रति आफ्नो क्षेत्रको प्रति आफ्नो मान्छेको प्रति त्यसमा हामीहरूले अगाडि बढाउनु पर्छ र यसरी नै तपाईँहरू फल्नुहोस् फुल्नुहोस् अगाडि बढ्नुहोस् म हर समय हरदम तपाईँहरूका साथमा यसरी नै उभिएको हुन्छु जय हिन्द जय भारत जय गोर्खा पहली बात तो हमको ये समझना होगा कि इस बार का जो मैनिफेस्टो है इससे पहले की तुलना में वो अलग ढंग से प्रस्तुत हुआ है
इस बार के भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में जो चार्टर ऑफ डिमांड होता था हमेशा, वो उसमें कुछ भी नहीं है। 2047 को ध्यान में रखते हुए विकसित भारत की नींव रखने की उस दिशा में बनाया गया मैनिफेस्टो है, और इसमें सिर्फ दार्जिलिंग स्पेसिफिक नहीं, पूरे देश भर में भी जो चार्टर ऑफ डिमांड होते थे, जो हमेशा मैनिफेस्टो में जिस तरह से आता था, उस तरह से नहीं आया है। लेकिन इसका ये अर्थ देना कि मैनिफेस्टो में नहीं आया, इसका मतलब जो है कुछ भी नहीं है, ये गलत होगा। मैं फिर जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, 20 दिन अभी हुए नहीं है, प्रधानमंत्री जी ने स्वयं ये कहा है कि जो है हमारे जो समाधान के हम बहुत निकट है और जल्दी उसका समाधान होगा। तो इसलिए मैं आपके माध्यम से समस्त जनता को ये कहना चाहता हूँ, आप निश्चिंत रहिए, ये मेरी जिम्मेदारी है, और ये 5 साल जिसमें जनजाति भी होगा और स्थायी समाधान होगा वो भारत के संविधान के अधीन होगा, और किसी में दम हो तो बता के दिखा दो। मैं फिर जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, जनता को भी ये प्रार्थना करता हूँ, बहुत सारे लोग जो इसी ताक में रहते हैं कि किसी तरह जो है भारतीय जनता पार्टी को या बीजेपी को बदनाम करें, वो बहुत प्रयास करेंगे लेकिन फिर भी वो सफलता उनको नहीं मिलेगी। और इस बार का मैनिफेस्टो चार्टर ऑफ डिमांड के लेकर के नहीं है, वो विकसित भारत को ध्यान में रखते हुए उसमें महिलाओं की बात की, युवाओं की बात की, किसान की बात की, और जो है श्रमिकों की बात की, इस तरह से अलग अलग हिस्सों में 2047 को ध्यान में रखते हुए बनाया हुआ मैनिफेस्टो है। आपने कहा है 2026 तक एससी स्टेटस का बिल आएगा, आप लाएंगे? मेरा राजनीति 2024 से 2029, ये आखिरी 5 साल मेरे राजनीति के होंगे, उसके बाद मैं राजनीति भी नहीं करूंगा। और 2026 से पहले जनजाति का बिल पार्लियामेंट में मैं पेश करूंगा, ये मेरा जनता से संकल्प है। और स्थायी समाधान चुनाव के तुरंत बाद एक कमेटी का गठन होगा, जिसमें हमारे राजनीतिक दल के सदस्य भी रहेंगे, कुछ इंटेलेक्चुअल लोग ऑलरेडी कुछ लोग जुड़े हुए हैं, कुछ और भी उसमें जुड़ेंगे, कुछ संविधान के ज्ञाता भी होंगे, उन सब को लेकर के और इन सब को लेकर के जो एक कमेटी का गठन होगा, और उसमें वो काम करेगी, क्योंकि उनमें काम करने में उनको भी समय लगेगा। और मैं ऐसा मानता हूं कि 2026 पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, और मैं कोशिश करूंगा कि 2026 से पहले जनजाति का दर्जा मिले, और 26 के बाद भारत के संविधान के अंतर्गत जो बाबा साहब अंबेडकर ने जो संविधान बनाया उसके अधीन हमको न्याय मिले। इससे पहले भी आपने एक बोला था कि यदि गोरखा करके कुछ नहीं होगा तो मैं रिजाइन दूंगा, तो कैसे? अच्छा है ना, गोरखा के लिए नहीं होगा तो मैं रिजाइन दूंगा, वो आप ठीक बोल रहे हैं, लेकिन अगर मुझे पता है हो रहा है और मैं नहीं रहूंगा तो शायद ना हो, इसलिए मुझे दोबारा राजनीति में आना पड़ा। और मैं कहता हूँ, पहली बार शायद मैं जो है मतलब एक इच्छा होती है लोगों की, लेकिन इच्छा से नहीं, इस बार जनता ने मुझे 4 लाख ज़्यादा वोट से जिताया, ये मेरी जिम्मेदारी बनती है, मेरा फर्ज है, मेरे समाज के प्रति, इस क्षेत्र के प्रति, दार्जिलिंग तराई डुवर्स की जनता के प्रति, यहाँ रहने वाले गोरखा राजवंशी आदिवासी बंगला भाषी हिंदी भाषी उन समुदाय के प्रति ये मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए अपनी जिम्मेदारी को पूरा करूँगा। अमित शाह जी कब आ रहे हैं? अमित शाह जी आएंगे, योगी आदित्यनाथ जी का चल रहा है, लेकिन क्योंकि अभी फर्स्ट फेज का चुनाव चल रहा है, हमारा सेकेंड फेज में है, तो फर्स्ट फेज के सभी जो क्षेत्र हैं उसको प्रायोरिटी से कवर हो रहा है। और जितना अभी सुबह बात हुई थी, टेंटेटिव शायद 20 तारीख को योगी आदित्यनाथ जी कालिंपोंग आएंगे, और 21 तारीख को मिरिक में जो है सतपाल महाराज जी का तय हुआ है, और उसके अलावा गृह मंत्री जी स्वयं आएंगे। प्रधानमंत्री जी की भी मैं चेष्टा कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे सिक्योरिटी रीज़न के कारण कई बार दिक्कत आता है। और कल गोरुबथान में अनुराग ठाकुर जी आ रहे हैं, और आज ही मेरी बात हुई है अपने अरुणाचल के जो है सांसद और मंत्री जो है किरण रिजिजू भी आएंगे, और तमाम लोग हैं, अभी चल रहा है, मुझे लगता है 1-2 दिन में एग्जैक्ट डेट और नेता का नाम तय होगा। अगर 26 तक भी कुछ नहीं होगा तो फिर आप इलेक्शन में जाएंगे? 26 में बात करेंगे नहीं, इतना जल्दी आपको क्या है, अभी तो 2 साल पड़े हुए हैं, इसीलिए निराश मत होइए, नेगेटिव मत सोचिए, सब अच्छा सोचिए, अच्छा ही होगा, करने के लिए मैं हूँ ना। कोई आपको कोई नेता देखता है जो जिम्मेदारी अपने कंधों पे लेके घूमता है? यहाँ तो दूसरे पे चिपका देते हैं या पार्टी का विरोध करके
कुछ नहीं देगा बोल के फिर भी राजनीति करते, मैं उनमें से नहीं हूँ। ना मैं पार्टी का विरोध करूँगा, ना मैं सरकार का विरोध करूँगा, मैं अपने समाज के लिए, इस क्षेत्र के लिए जो न्याय होना था उसको मैं सुनिश्चित करूँगा, और ये मेरी जिम्मेदारी है। मुझे वोट भी इसीलिए मिल रहा है, इसलिए नहीं है कि मैं जो है यहाँ पे घूमता हूँ इसलिए वोट मिल रहा है। घूमने के साथ साथ उनको पता है कि ये भारत सरकार से कुछ करके लाएगा, इसीलिए जनता अभी तक जो है भारतीय जनता पार्टी को पसंद करती है। तो आपने भाषण में कहा कि जो बिल्डिंग स्टैंड ले गया था, ये बात आप सही बता दिए, स्टैंड ले गया था। ऐसा है, मैं तो उनके परिवार के सभी सदस्यों को जानता हूँ और उनके बेटे के साथ भी जो है मैंने बहुत हवाई यात्राएं की है, इसीलिए वो तो बहुत दूर के है, उसमें कोई विवाद नहीं होगा, आप निश्चिंत रहिए। लेकिन सच्चाई आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और उनके साथ भी जो है अन्याय हुआ है, और उनको जब अवार्ड देने के लिए बुलाया गया था तो उनको भेजा नहीं गया। आप किसने नहीं भेजा वो आपको ही पता है।